गाइस, ये हमारे लॉस सैंटोस को क्या हो रहा है? देखिए, ओह माय गॉड, चारों तरफ से मीटियोर्स गिर रहे हैं। लगता है जैसे कि अर्थ गॉड तबाह हो रहा है, इसलिए गाइस यहाँ पर अर्थ की शक्तियाँ भी तबाह हो रही हैं। गाइस, हमें अर्थ गॉड के पास चलना पड़ेगा और उनसे पूछना होगा कि हमारी धरती पे भूकंप और सुनामी और साथ साथ में इतना ज़्यादा मौसम में बदलाव क्यों हो रहा है। ऐसे तो गाइस पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अर्थ गॉड मेरी बात सुनिए। अरे नो दोस्तों, ये तो मेरी बात नहीं सुन रहे। अर्थ गॉड तो खुद ज़मीन पर पड़े हैं। कोई मदद करो, अगर मैं मर गया तो धरती भी खत्म हो जाएगी। फिर बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़े से लेकर जानवरों तक सब मर जाएंगे। ओह नो गाइस, हमें अर्थ गॉड की मदद करनी पड़ेगी वरना हमारी धरती तबाह हो जाएगी। अर्थ गॉड, मैं आपके पास आ गया, बताइए क्या परेशानी हुई है। मेरी बात सुन फ्रैंकलिन, बच्चे जल्दी से यहाँ पर आ और तुझे यहाँ पर एक पेपर मिलेगा। उस पेपर को पढ़, अगर तूने मेरी शर्तें पूरी की मैं तुझे दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर आदमी बना दूंगा और साथ साथ में धरती को भी बचा लूंगा। ओके, मैं समझ गया। गाइस, यहाँ पर अगर हमें अर्थ को बचाना है तो इन सारी के सारे शर्तों को मंजूर करना पड़ेगा। भर कर देखते हैं असल में इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा। स्टील मैजिकल ट्री फ्रॉम जायंट रिवेंजरल, क्या हमारे शहर में जायंट रिवेंजरल का है? और दूसरा स्टील मार्स गॉड स्ट्रेंथ पावर, ओह माय गॉड मार्स गॉड भी है। स्टील वाटर टावर फ्रॉम मिलिट्री बेस, अरे बाप रे। गाइस चौथा क्या है? लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारी पूरी दुनिया बच जाए, अगर आप धरती से प्यार करते हैं तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। साथ साथ में गाइस कमेंट लिख दो, कमेंट में लिखो आई लव अर्थ या फिर एटी गेमर ओपी। कम ऑन गाइस, कर दो। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है एटी गेमर ओपी, जल्दी से लिख दो या फिर आई लव अर्थ, क्योंकि गाइस हमें धरती माँ से प्यार करना ही होगा क्योंकि ये हमें खाना खाने को देती है, रहने को देती है। गाइस देखिए, मैं यहाँ पर जायंट रिवेंजर हल्क के पास आ चुका हूँ। ओह माय गॉड, ये कितना बड़ा है। और गाइस यहाँ पर इतना ही नहीं, इसके पास तो दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक ट्री है। इसी मैजिकल ट्री को मुझे चुराना होगा इस रिवेंजर हल्क से। रिवेंजर हल्क को हराऊंगा कैसे? गाइस मेरे बस की तो नहीं यार इसको हराना, लेकिन धरती को बचाने के लिए मुझे इस वाले जाल से पार होकर इस बड़े से मैजिकल ट्री को किसी भी हालत में चुराना होगा, जिससे कि गाइस हम अपने अर्थ गॉड को स्ट्रेंथ दे पाए और बचा पाए। अरे बाप रे, ये टास्क तो बड़ा ही हार्ड है। चलो चुपचाप चलता हूँ, बस उम्मीद करता हूँ कुछ होना। बाप रे, ये बिजली है, ये तो करंट मार रही है। अरे दोस्तों नहीं, ये क्या? गाइस दूसरा रास्ता चूज करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला रास्ता चूज करता हूँ। इसमें अरे बाप रे, नहीं 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 गाइस, इसमें तो आग लग गई है, तो बहुत ही गलत हो गया। नो, कोई बचाओ। अरे बाप रे, मुझे चीखना नहीं है गाइस, नहीं तो रिवेंजर ने सुन लिया तो बुरी तरह से मारेगा। कौन है यहाँ पर? नो, नहीं नहीं, हे फ्रैंकलिन, निकल जा यहाँ से, मैं हूँ जायंट रिवेंजर, खत्म कर दूंगा तुझे। अरे बाप रे, अरे अरे गाइस, उस जायंट रिवेंजर से मैं उस मैजिकल ट्री को कैसे चुराऊं? हमारी अर्थ को दोस्तों पेड़ चाहिए। हम जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे हमारी अर्थ इतनी ज्यादा हरी भरी रहेगी। इसलिए गाइस, इस मैजिकल ट्री को मुझे हमारे अर्थ गॉड को देना होगा। वो अर्थ गॉड हमारी पूरी धरती को जिंदा करके रखता है। क्या करूं? अर्थ गॉड प्लीज, आप ही मेरी मदद कर दो। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं तुझे धरती में मिलने की शक्तियां दे रहा हूं, तू मुझसे मिल जाएगा। क्या मैं आपसे मिल जाऊंगा? ऐसा क्या होगा? देखते हैं गाइस, अर्थ गॉड मुझे किस तरह की पावर्स दे रहे हैं। कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। एक मिनट, ये क्या? अरे वाह गाइस, मैं तो जमीन में एकदम मिल गया, मैच हो गया, देखिए मुझे। चलो दोस्तों, मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है, मेरा मतलब ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, ये पावर्स लिमिटेड है, मैं कमजोर हो रहा हूँ, जल्दी से उस मैजिकल ट्री को मेरे पास ला। लाता हूं। ओके दोस्तों, जल्दी से जाते हैं। ओह माय गॉड, यस हम आ गए। यहां पर गाइस ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये रहा मैजिकल ट्री। अब जल्दी से गाइस एक काम करता हूं, इसको खुद से अटैच करता हूं। ओके गाइस, अब मैं यहां से निकलता हूं। 1 2 और ये 3। नहीं, ये क्या? अरे मैं तो फंस गया। अरे पावर्स कहाँ गई? नहीं गाइस, पावर्स तो चली गई। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे नहीं गाइस, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कमेंट में जल्दी से सुपर फ्रैंकलिन ओपी लिखो, आप सभी को मेरी मदद करनी होगी, हमें अपनी धरती को बचाना होगा, इन टास्क को कम्प्लीट करना होगा। सुपर फ्रैंकलिन ओपी लिखोगे तो मैं दोस्तों इस वाले पेड़ को चुरा कर हमारे अर्थ गॉड को दे दूंगा। वाह गाइस, देखिए आप सभी की कमेंट का नतीजा, हमारा काम कर गया यहाँ पर। चलो गाइस, अब यहाँ से जल्दी चलते हैं अर्थ गॉड के पास और जाकर इस मैजिक
सूखल पेड़ को उनको सौंप देते हैं, जिससे कि वो हमारी अर्थ को फिर से बैठ रखे। अर्थ कौन? फ्रैंकलिन तू आ गया, जल्दी मेरी चेस्ट पर इस वाले मैजिकल पेड़ को रख दे। ओके गाइस, हमें जल्दी से अर्थ गॉड की चेस्ट पर यहाँ पर इस पेड़ को रखना पड़ेगा, जिससे कि दोस्तों ये इसको एब्जॉर्ब करके अपने आप को ताकतवर बना ले और हमारी धरती को बेटर करे। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं इसको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। अरे वाह, काफी ही हरा भरा पेड़ है ये, काफी ही ज्यादा शक्तिशाली है, अब मैं खड़ा हो सकता हूँ फ्रैंकलिन। क्या बात है गाइस, हमारे अर्थ गॉड जो बेचारे चल भी नहीं पा रहे थे ना ही उठ पा रहे थे, अब ये बोल रहे खड़े हो सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, अर्थ गॉड कितने विशाल है। गाइस अर्थ गॉड ओपी लिखना चाहिए आपको कमेंट में, देखिए ये कितने बड़े हैं। देखो फ्रैंकलिन, अब मैं इस दुनिया को पहले से बेटर कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें और मेरी मदद करनी होगी। बिल्कुल, मुझे अभी दो टास्क और कंप्लीट करने हैं, तब जाके हमारी दुनिया स्टेबल हो पाएगी। जल्दी जाओ फ्रैंकलिन, अब तुम्हें मार्स गॉड की पावर्स को चुराना होगा, वो भी स्ट्रेंथ वाली। समझ गया, और नीचे तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। क्या, मेरा गिफ्ट? बिल्कुल सही कहा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर इंसान बनाऊंगा, वहां जाकर देखो क्या है। Oh my God, guys, पहला टास्क कंप्लीट करने पर हमें एक लंबी वाली सोने की कार मिल गई। इधर देखिए, और गाइस इतना सारा कैश, याहू! और गाइस इतना ही नहीं, यहाँ पर गाइस ये जो कार है ना चलती भी है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, अब जल्दी जाओ मार्स गॉड से स्ट्रेंथ की पावर्स लेकर आओ। गाइस मार्स गॉड्स के पास जाना है मुझे, मार्स गॉड। Oh my God, इसका कलर तो मार्स से मिलता है, एकदम लाल और ऑरेंज टाइप का, कितना खतरनाक है ये। लेकिन दोस्तों मैं मार्स गॉड से पावर खींच रहा हूँ, और इसकी पावर्स होंगी कहाँ पर मुझे ये भी देखना पड़ेगा। हम अपने इनविजिबल ड्रोन से चेक करेंगे कि मार्स गॉड की पावर्स है कहाँ पर, वो भी स्ट्रेंथ वाली, क्योंकि गाइस गॉड्स के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। मार्स की स्ट्रेंथ चाहिए, जिससे कि हमारे गॉड हमारी इस वाली धरती को बेटर कर पाए, एकदम मजबूत बना पाए। नो, ये क्या है, ब्लैक ब्लैक सा। चलो गाइस एक काम करते हैं, ड्रोन से देखते हैं, ये तो एक फोर हेडेड जायंट ब्लैक वेनम है। और गाइस मार्स गॉड ने तो यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, देखिए अपना मुंह बंद कर रखा है इस कुछ अलग टाइप की शील्ड से, जरूर इसके मुंह में कुछ है। गाइस अपने ड्रोन से चेक करते हैं, अरे बाप रे, मार्स गॉड की स्ट्रेंथ वाली पावर गाइस इसके मुंह के अंदर है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले शील्ड को तोड़ना पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड टास्क होने वाला है दोस्तों। कोई बात नहीं है गाइस, जब तक हम साथ हैं हम अपनी धरती प्यारी माँ को कुछ होने नहीं देंगे। पहले छुप छुप के यहाँ से निकलता हूँ, ये जायंट वेनम मुझे देख ना ले। गाइस मैं एकदम छुप छुप के जा रहा हूँ, बस ये वेनम मुझे देख ना ले। मुझे किसी भी हालत में मार्स गॉड पर चढ़ना होगा और उस शील्ड को तोड़कर उसकी स्ट्रेंथ वाली पावर्स को चुराना होगा। जैसे ही गाइस मैं पावर्स को चुरा लूंगा, हमारा जो गॉड है गाइस अर्थ वाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिससे कि वो हमारी धरती को बेटर कर पाए। ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है दोस्तों यहाँ पर चढ़ने में। लेकिन गाइस ये मार्स भी कुछ कम गर्म नहीं है, काफी गर्म है। लेकिन इससे ज्यादा गर्म गॉड तो गाइस लावा गॉड है और फायर गॉड है। वैसे फायर गॉड तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। ना ही कभी देखा गया, ये ले तेरी तो। अरे बाप रे, ये क्या था गाइस, एक साथ से हम तुझे जान से मार देंगे यार, हैं हमें इविल वेनम। अरे बाप रे गाइस, इविल वेनम ने मेरी बातें सुन ली, बुरी तरह से मारा, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे हराऊं। आईडिया, हम ना गाइस इस पर ट्रैप लगाते हैं, यहाँ लगाया बॉम्ब, उसके बाद यहाँ लगाया बॉम्ब, और ये लगाया बॉम्ब, और ये लगाया बॉम्ब, और ये लगाया बॉम्ब, और ये लगाया बॉम्ब। ओके गाइस ये बहुत बड़ा है ना, तो मुझे 10-15 बॉम्ब यहाँ पे लगाने पड़े। अभी ना मैं जायंट वेनम को भड़का कर अपने पीछे लेकर आऊंगा, जैसे ये बॉम्ब्स पर रखेगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। हाँ भैया यार, साहब क्या आगे तुम, अबे आजा तेरी हिम्मत तो पकड़ के दिखा मुझे नूब। अबे नूब बोलता हमको यार, आजा तेरे को बता दो मैं। ओके गाइस अभी जैसे ये पैर रखेगा इसकी तो गई। अबे फाड़ दिया बे, अबे तुझे बताते हैं फ्रैंकलिन, रुक। ओके गाइस अब इससे पहले ये उठ जाए, चलो जल्दी जल्दी जाते हैं और मार्स गॉड पर चढ़ जाते हैं। फिलहाल इसकी तो मैंने बैंड बजा डाली, भागो 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 भागो। लगता है गाइस यहाँ पर आज मार्स गॉड का मौन व्रत है, कुछ कह नहीं रहा है। कौन चढ़ रहा है मेरे ऊपर? अरे बाप रे, मार्स गॉड बोला मार दूंगा इसका, नीचे उतार। गाइस आप सभी को एक बात बताऊं, वैसे अर्थ गॉड से ज्यादा पावरफुल मार्स गॉड है, क्योंकि अर्थ से कई गुना ज्यादा बड़ा जो ठहरा ये। लेकिन गाइस कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, अर्थ गॉड हमारा ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम अर्थ पे ही रहते हैं ना। गाइस मैं शील्ड के अंदर घुस गया। ओके, अपने अर्थ गॉड को बचाने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए मुझे शील्ड को तोड़ना होगा। टूट जा, कम ऑन। अरे ये ले, अरे फूट जाना भाई, प्लीज फूट जाना इस बार, कम ऑन। नहीं, क्या करूं आइडिया, अर्थ गॉड प्लीज मुझे कुछ तो पावर्स दो जिसका इस्तेमाल करके मैं शील्ड को तोड़ पाऊं। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए बिजली की पावर्स देता हूं, ये लो। क्या बात है गाइस, मेरे अंदर बिजली की पावर्स। गाइस हमारा अर्थ गॉड तो बहुत ही कूल है। ऑलराइट दोस्तों, हमने यहां पर मार्स गॉड की जो स्ट्रेंथ वाली पावर है उसकी शील्ड को तोड़ डाला है। अब भी ने
काम करते हैं, यहाँ से सीधा अर्थ गॉड के पास टेलीपोर्ट होते हैं। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। वाह गाइस, हम तो यहाँ पर अर्थ गॉड के पास टेलीपोर्ट हो गए। लेकिन गाइस अब देखना, ये अर्थ गॉड क्या करेगा इस पावर से। उसने ले तो ली। फ्रैंकलिन ये देखो, अब मैं टू हेडेड अर्थ गॉड बन चुका हूँ। चलो अब इस दुनिया को साथ ठीक करते हैं। क्या बात है गाइस, यहाँ पर देखिए कितनी बुरी तरह से जो तबाही हो रही थी वो रुक गई। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, क्या हो गया ऐसा। अरे नहीं, अभी भी मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं पूरी दुनिया को ठीक कर पाऊं फ्रैंकलिन। ओ नो गाइस, आधी दुनिया को तो ऑलमोस्ट हमने सेव कर लिया, लेकिन बाकी की दुनिया बेचारी अभी भी तबाही की कगार पर है। फ्रैंकलिन ये रहा तुम्हारा दूसरे टास्क का गिफ्ट। क्या सच में गाइस, हर एक टास्क कंप्लीट करने पर हम यहाँ पर दिन अमीर हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऐसी अमीर का क्या फायदा जब मेरी दुनिया ही ना बच पाए। इसलिए गाइस अपना हम साथ मिलकर तीसरा टास्क कंप्लीट करेंगे। तीसरा वाला टास्क क्या था गॉड साहब, मैं भूल गया, बताएंगे आप मुझे। अरे वाह गाइस, ये तो एक गोल्ड की बाइक है, कितनी प्यारी है, असली गोल्ड है क्या। बिल्कुल फ्रैंकलिन, तीसरा टास्क है तुम्हें मिलिट्री बेस जाना होगा और वहां से तुम्हें एक वाटर टैंक लाना होगा। पृथ्वी काफी ज्यादा सूख रही है, उसको एक शुद्ध और साफ पानी की जरूरत है। मुझे पानी पीना है गाइस। हमारी पृथ्वी पर बहुत गंदा पानी हो रहा है, इसलिए हमें उसको साफ रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसलिए गाइस हम उसमें प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, हम साफ रखेंगे पानी को। इसलिए दोस्तों मैं ना मिलिट्री बेस आ गया हूं। यहां पर एक ऐसा वाटर टैंक है जिसमें एकदम शुद्ध पानी मिलता है। लेकिन गाइस ये क्या है, ये कौन सा जायंट है, ये तो थ्री हेडेड जायंट हगी वगी जिला है। और दोस्तों ये एक वाटर टैंक है, हमें इस शुद्ध और साफ पानी को अपनी धरती को पिलाना होगा, जिससे कि दोस्तों हमारी धरती बेटर तरीके से हरी भरी हो पाए, ना कि इस पे कीटाणु आए। ऑल राइट दोस्तों, अरे बाप रे क्या है, निकल जा यहां से वरना हम तेरे को मार देंगे, समझा, हम तेरे को साफ और शुद्ध पानी नहीं देंगे। नहीं, मुझे वो वाटर टैंक चाहिए, मुझे अपनी प्यारी धरती को बचाना है। ओह नो गाइस, अगर आप भी चाहते हो अपनी प्यारी धरती को बचाएं तो कमेंट में यस लिखो प्लीज, कम ऑन। हां तो भैया साहब, ये बम क्या कर सकता है। हां छोड़ दी, ये बम किसी को भी फाड़ सकता है, बड़े से बड़े जायंट को, इसलिए इसका ध्यान रखना। हां ठीक है भैया साहब। गाइस आईडिया, हम ना इस वाले बम का इस्तेमाल करके उस जायंट थ्री हेडेड वगी वगी को पूरी तरीके से बेहोश कर देंगे। ऑलराइट दोस्तों, हमने यहां पे तीन गार्ड हुए, क्या ये ले तेरी तो। ऑलराइट गाइस, सारे गार्ड्स को हमने बेहोश कर दिया है। अभी ना एक काम करते हैं, इस वाले बम को उठाकर हगी वगी जिला को बेहोश करते हैं। जल्दी जल्दी जाओ, ए हमारे पास मत आना वरना तेरे को मारेंगे। अरे यार, ये तो मारने की धमकी देते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आप तो भी तैयार हैं। अब ये मारा, हूहू गाइस, यहां पर बॉम्ब में क्या ही खतरनाक एक्सप्लोसिव्स हो रहे हैं। अब जल्दी से अपने वाटर टैंक को उठाते हैं और भागते हैं, ये तो बहुत भारी है। अरे बाप रे, अरे चलो गाइस, शुक्र है मुझे बाइक मिल गई यहां पे मेरी वाली, अब जल्दी से लेके चलता हूं। गाइस ये बाइक तो काफी ड्यूरेबल है, अर्थ गॉड शुक्रिया आपका। जल्दी आओ फ्रैंकलिन, हमारे पास समय कम है, मुझे इस पानी को पीना है। ये लीजिए, मैं तो आसमान में ही आ गया उड़ के। ओके अब क्या करना है, जल्दी से इसको मुझे पिला दो। क्या बात है गाइस, यहाँ पर हमारा अर्थ गॉड तो थ्री हेडेड बन गया। अब देखो फ्रैंकलिन, दुनिया की तबाही को मैं रोक लूंगा। अरे वाह गाइस, देखिए यहाँ पर बारिश आनी बंद हो गई, ना ही अब कोई वॉल्केनो आ रहा है, और साथ साथ में ना ही सुनामी, साथ साथ में ना ही मीटियोर्स गिर रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तुम्हारा फ्रैंकलिन, तुमने आज धरती को बचाया। और गाइस देखिए, अर्थ गॉड मुझसे बहुत खुश हो गए, इसलिए मेरे को उन्होंने दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बना दिया। गाइस अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।